उत्तराखंड से खबर आ रही है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए 22 फरवरी से हेली सेवा प्रारंभ होने जा रही है। हल्द्वानी एसडीएम पारितोष वर्मा ने बताया कि हेली सेवा का ट्रायल सफल होने पर डीजीसीए की अनुमति के बाद सेवा शुरू करने का फैसला किया गया है। यह सेवा 22 फरवरी 2024 से प्रारंभ होगी। एसडीएम पारितोष वर्मा ने बताया कि गोलापार हेलीपैड पर हेली सेवा के लिए ट्रायल किया गया था। इसके पश्चात नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कुछ अतिरिक्त कार्य करने के निर्देश दिए थे। एसडीएम पारितोष वर्मा ने बताया कि हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने के मद्देनजर प्रशासन ने हेलीपैड में आवश्यक सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया है। सेवा का ट्रायल सफल होने पर डीजीसीए की अनुमति के बाद सेवा शुरू करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ के लिए 3,000 रुपए और मुनस्यारी के लिए 3,500 रुपए तक का किराया तय किया गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से लोगों के पास यात्रा के लिए एक और विकल्प मिल सकेगा। इसके अलावा पर्यटन गतिविधियों में भी तेजी आ सकती है। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा यहाँ गोलापार हवाई अड्डे से जो हमारा हेलीपैड है, इससे मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत तीन स्थानों के लिए हेली सेवा प्रारंभ की जा रही है। 22 तारीख से ये हेली सेवा प्रारंभ होने जा रही है। इसमें एक हेली डेडिकेटली यहीं रहेगा और दो उड़ान मुनस्यारी के लिए, दो उड़ान पिथौरागढ़ के लिए और दो उड़ान चंपावत के लिए ये लेगा। साथ ही जैसा एविएशन वाला हेरिटेज एविएशन द्वारा बताया गया है कि 2500 रुपये इनका किराया चंपावत के लिए, 3,000 पिथौरागढ़ के लिए और 3,500 रुपये मुनस्यारी के लिए नियत किया गया है।